हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो ये है छोटी दिवाली, आज का दिन छोटी दिवाली। और आज जो स्पेशल है इस वीडियो में वो ये है कि हर साल की तरह इस बार भी हम दिवाली पे घर पे ही मिठाई बना रहे हैं। और वो मिठाई को हम बोलते हैं टांगरी, हमारी लैंग्वेज में हम उसको टांगरी बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं और आपके घर में भी बनती है क्या। तो ये है स्पेशल मिठाई जो हम घर पे ही खुद बनाते हैं। इसके लिए चाहिए होता है गुड़, बेसन और थोड़ा बहुत तेल, और एक मशीन जिसके थ्रू हम इसको बनाते हैं वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आगे चलिए, आप प्रोसेस देखिए और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल कैसे दिखती है वो। तो सबसे पहले हम लेंगे बेसन। बेसन आपको लेना है थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, जो प्योर हो, चने की दाल का हो, प्रीमियम हो, ताकि जो हम उसको गूंदें तो वो सॉफ्ट रहे। अभी बेसन को निकाल लिया है जितना आपको ज़रूरत हो। अब उसको आटे की तरह लगाना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, गूंदते हैं, ऐसे ही बेसन को भी गूंद लेना है। बेसन क्या है, आटे की कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। तो जो हम जो मशीन का और जो यंत्र का यूज़ करेंगे सेव निकालने के लिए, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जब आटे की सेवियां बनाते हैं उस समय तो काफ़ी जोर लगाना पड़ता है मशीन को चलाने में। बाकी एज़ कम्पेयर टू आटा, इस वाले को जो बेसन है ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है। और ये है आपका उपकरण जो हमने यूज़ किया है, ये जो टांगरी के लिए जो सेव बनाने हैं उसके लिए। तो इस तरीके से बेसन गूंदने के बाद उसमें थोड़ा सा हम सूखा बेसन लेके और उसमें छोटे छोटे पेड़े या लोई बना के ऐसे इस यंत्र के अंदर डालते हैं और इसको ऐसे मशीन को चलाते रहते हैं। और नीचे से जो हमने डाई लगा रखी है थोड़ी मोटे छेद वाली, जिससे ये सेव निकल रहे हैं, तो इस तरीके से ये सेव निकलते जाते हैं और इनको फिर सुखाते जाते हैं। आप जितनी बना रहे हो टांगरी उसके हिसाब से आपको बेसन और उस हिसाब से आप गुड़ लेना होगा। बेसन और गुड़ का अनुपात थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए कि जिससे ज़्यादा मीठा भी ना हो और ज़्यादा फीका भी ना हो जाए। तो अगर आप करीब 3 साढ़े 3 किलो बेसन लेते हैं तो उसके साथ करीब आपको 1.5 या 2 किलो गुड़ लेना होगा, फिर उसकी चाशनी बनानी होगी। तो ये देखिए, ये हमारे सेव रेडी हो चुके हैं। तो जितना हमने बेसन लगाया था उस हिसाब से हमारे सेव बन चुके हैं। अभी ये थोड़े गीले हैं, बट ये थोड़े से सूख जाएंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सरसों का तेल और उसके अंदर हम इनको तलना स्टार्ट कर देंगे। और इनको तलना भी ज़्यादा नहीं है, बस हल्के से जब ये गोल्डन होने लग जाएंगे बस इतना ही इनको तलना है। और उसके बाद इनको अलग ही रख देना है थोड़ा सूखाने के लिए, ताकि इनका ऑयल भी सूख जाए। तो अभी देखिए, ये सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। ये भी हमारा प्योर है, प्योर सरसों के दाने में से निकला हुआ ऑयल है जो हमारे ननिहाल से आया है, जिसकी महक अलग ही होती है। सरसों के तेल की अलग ही महक आती है इसमें। तो जब ये सेब गीले होते हैं तो उसको चिपक जाते हैं, तो उसको अब यहाँ से थोड़ा सा इस छानने की मदद से अलग किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा चिपके ना। और उसके बाद ये देखिए, थोड़ा थोड़ा जहाँ से लगा कि ये हल्के सुनहरे हो चुके हैं, तो उनको हमने कढ़ाई से निकाल के अलग रख लिया है। जब इनके सेव घोड़ी से जो हमारा यंत्र है उससे निकाला जाता है, तब चिपक जाते हैं सुखाते टाइम, लेकिन तेल में आने के बाद वो अलग हो जाते हैं। तो उनको छुड़ा लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। जो सिके हुए टांगरी थी उनको गुड़ की चाशनी में मिलाने की बारी आती है। और अब ये देखिए, गुड़ की चाशनी हम डाल चुके हैं ऑलरेडी इस परात में, और अब उसके अंदर टांगरी डाल ली है जो हमने सेकी है तेल के अंदर, और अब उनको मिक्स किया जा रहा है अच्छे से। तो ये जो टांगरी है ये हम बचपन से घर में तो खा ही रहे हैं, हर दिवाली पे बनती है। बट ये टांगरी मैंने कई कई बार जब हम छोटे थे तो ये देखी, हमने दुकानों पर भी देखी है। तो
तो उसको क्या दुकानदार क्या बोलते हैं, ये आइडिया नहीं है, हम तो टांगरी बोलते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा भोग लगाने के लिए अलग रख लेते हैं। अब और जो है उनको भी डाल देते हैं और इसको फिर अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये हमारी है जो घर पे बनाई हुई मिठाई है, जो करीब 6-7 दिनों तक चलती है और जो दी जाती है मिठाई। बहनों को और बुआओं जी को तो ये उसमें विशेष रूप से उपलब्ध रहती है, मिठाइयों के अलावा ये तो साथ में दी ही जाती है। तो ये शुगर फ्री होती है, गुड़ होता है, गुड़ इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है, बाकी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाते हैं इसमें, बस इतना रहता है कि जिससे वो जो बेसन है वो बेसन के ऊपर चारों तरफ गुड़ चिपक जाए और वो थोड़ी उसमें खाने पे मिठास आए। और जैसे अब दिवाली सर्दियों में आती है तो सर्दियों में गुड़ ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है चीनी के कंपैरिजन में। तो ये थी हमारी बनाई हुई एक घर की मिठाई जिसको हम बोलते हैं टांगरी। आपको कैसी लगी हो, आप भी ट्राई कीजिएगा। प्रोसेस में ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेसन को आटे की तरह लगाया जाता है, गूंदा जाता है, फिर उसको जो हमारे पास मशीन है जिसको हम घोड़ी बोलते हैं उसमें डाल के, और फिर उसमें डाई है वो थोड़े मोटे सेव वाली है तो वो सेव की तरह निकलते हैं उसमें, फिर उनको तेल में सेका जाता है, उसके बाद चाशनी में, गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। सो गाइस, टांगरी बन के आ चुकी है मेरे पास, ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है और खुशबू भी आती है गुड़ की और बेसन की, और ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें चीनी तो बिल्कुल नहीं होती है, तो ये नो शुगर है, शुगर फ्री है, बाकी गुड़ है और सर्दियों में गुड़ तो खाया ही जाता है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है, खा के भी देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किया है तो ये आप लोग ट्राई कीजिए। अगर थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में देखना चाहते हैं कैसी बनती है तो आप ज़रूर हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपकी मशीन नहीं है तो, बाकी मशीन है और सेवैयाँ, ये एक्चुअली ये सेवैयों वाली मशीन है और इसमें हमने जो डाई लगा रखी है वो मोटी वाली लगा रखी है जिससे मोटे सेव निकलते हैं, तो उसके हिसाब से। बाकी आप हाथ से भी बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ी बहुत ही बना के ट्राई करनी है तो। बहुत ही अच्छी लगती है, शुगर फ्री है, गुड़ की है और बेसन की है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये हमारी टांगरी कैसी लगी, और आप लोग इसको कभी आपने इसको टेस्ट किया है और आपको ये किस नाम से जानते हैं इसको, तो कमेंट करके ज़रूर बताने का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली फिर से, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।